नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंदौर के भिया के ठिए पे। तो आज इस ठिए पे हमारे साथ में एक बड़ी शख्सियत है मौजूद, जिनको आप रंजीत भैया के नाम से जानते हैं। भैया राव, तो चलिए आपको मिलाते हैं रंजीत भैया के इस सफर पे और बताते हैं कि रंजीत भैया का जो रंजीत कौशल का रंजीत भैया बनने का सफर है, उसमें किस किस तरह की परेशानी आई, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आज किस तरह का स्ट्रगल रंजीत भैया कर रहे हैं और आप लोगों को वो क्या सीख देते हैं। तो स्वागत है रंजीत भैया आपका भैया के ठिए पे। तो सबसे पहले तो मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लखन भैया का और खबर मध्य प्रदेश का, जिन्होंने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया। थैंक यू भैया। आपके यार घर सारी की बात है, वो तो समझ रहे हैं, पर फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ती है ना यार भैया। भैया सबसे पहला सवाल मैं ये करूंगा आपसे कि रंजीत कौशल एक गांव का लड़का, हाँ, जो आज रंजीत भैया बनके पूरी दुनिया में एक नया चेहरा, नया स्वरूप, कई लोगों को पता नहीं है कि रंजीत भैया का नाम रंजीत कौशल है, तो शुरुआत ही वहां से करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे। बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे पहले तो अपन अपने बारे में बता देते हैं, वैसे बहुत सारे जने उनको पता है कि रंजीत भैया इंदौर के देवराड़िया के पास में दूधिया गांव है। बहुत सारे इंटरव्यू में बता चुके हैं, बट अपने आप ही बता रहे हैं कि रंजीत भैया निकलता उस गांव में क्या है, मतलब क्या इतिहास। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा गांव है, अपन किसान परिवार से हैं, अपनी खेती बाड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपन देवराड़िया के कन्ने दूधिया गाँव से हैं और किसान परिवार से हैं। हालाँकि अपनी मम्मी सरपंच भी रह चुकी दूधिया गाँव की, पापा सरकारी नौकरी में थे MPEB में। तो शुरुआत गांव से ही हुई अपनी। और रंजीत भैया के अगर इस चीज़ की बात करें कि रंजीत भैया बने कैसे, तो भैया अपने को क्या है कि जो एक्टिंग का कीड़ा है बचपन से ही रिया, कोई भी चीज़ रहती ना भैया वो मतलब अंदर से भगवान डाल के ही भेजता है। क्या बात। हाँ, तो अपना पहले क्या है, अपने टाइम पे जो 90 के दशक में VCR चलते थे, नहीं फिर CD प्लेयर आई है ना, दो पार्ट में एक पिक्चर आती थी, फिर DVD आ गई, एक ही पार्ट में 6-6 पिक्चर। तो उन्हीं को देख देख के उनके किरदारों की नकल उतारना, उनको दोहराना, घर वालों को डर भी लगता था कि कहीं पिक्चर में हीरो बनने के लिए बम्बई नहीं भग जाए। तो ये चीज़ें थी। फिर धीरे से इंटरनेट आया, इंटरनेट पे अपन ने देखा कि भाई यूट्यूब भी रहता है, तो अपने को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके अपन किसी से रिक्वेस्ट करो, ऑडिशन दो, ने लाइन में लगो। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जैसे अपने अंदर एक्टिंग का था, अपन ने चैनल बनाया, यूट्यूब पे डाला, अगर आप में दम है या आप वाकई में उस चीज़ को डिजर्व करते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो अपने को यूट्यूब दिखा और यूट्यूब पे अपन ने अपना टैलेंट डाला और चमत्कार हो गया भैया। तो भैया शुरुआत में आपको कहीं हेजिटेशन हुआ हो कि यार वीडियो डालूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अभी भी ग्रामीण परिवेश में कई लोग इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, मकोल उड़ाते हैं, अरे बोलो तू छोरी की आवाज़ निकाल दो यार, छोरो यार यार, अरे कई हुई यार सरपंच मैडम तुम्हारा छोरा के देखो यार कहाँ भटकी गयो यार, एक काम धंधा पे लगाओ नहीं उके। तो उस समय कैसे आप फेस करते थे? भैया देखो सबसे पहले तो अपन बता दें कि अपन कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं कि अपन आप सभी को ज्ञान देने सिखाएं, सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए आज के टाइम पे, तो सबके कन्ने मोबाइल है ना, तो अपन वो चीज़ बताएंगे जो अपनी ज़िंदगी में हुई। तो एक किसी महान व्यक्ति ने अपने से मुलाकात करके अपने को बोला था कि भैया सफलता, हालांकि अपन अपने आप को सफल नहीं मानते, 3 स्टेप से होके गुजरता है। तो पहला तो रहता है उपहास, है ना, सेकेंड रहता है विरोध और तीसरा रहता है स्वीकृति। तो सबसे पहला पड़ाव रहता है उपहास का कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो भैया सबके शुरू में जब अपन ये सब चीज़ें करते थे तो सब लोग मजे लेते थे, अपने दोस्त यार लोग मजे लेते थे, मतलब मेरे को गली से निकल के जाना है, अपन ने ये सब चल्लू करा तो लोग मजे लेते थे कि अरे कार्टून जा रिया, और अगर गली से अपन गए तो सामने 4-5 दोस्त उन बैठे थे, अपने को शर्म आती थी छोरी सरीके की, यार मजे लेंगे, लपेटेंगे, छेड़ेंगे, तो डर लगता था, और वो भी मजे लेते थे, अरे रंजीत भैया जा रहे हैं, अरे रंजीत भैया सलमान खान है भैया, कुर्सी दे उनको, अरे सेल्फी, तो ऐसे करके खूब मजे लेते थे। और उसके अलावा अपने रिश्ते नातेदार भी घर पे बोलते थे कि यार तुम्हारे छोरे को समझाओ, कोई छोरी नहीं देगा। उस टाइम का एक इंसिडेंट भी बताऊँ आगे। तो ऐसे करके मजे लेते थे और रिश्तेदार उन भी घर वाले से बोलते थे कि यार तुम्हारे छोरे को समझाओ, क्या लजवाने सरी के काम कर रहा है, ने हमको सारा मा जाती कोई कितना तुम्हारा भतीजा है। तो घर वाले भी बोलते थे कि यार बेटा तेरा शौक है हम समझते हैं,
पर यार रहने दे यार, चाले में लग गया है, कान के चाले में लग गया यार, हमारे को शर्म आ जाती है। लेकिन अभी उस शर्म को तोड़ के है ना अपन ने काम जारी रखा तो अपने को एक पहचान मिल गई। अब उसके बाद में सेकंड मैंने बताया था विरोध है ना, तो विरोध का यह था कि थोड़ी सी अपने को फेम मिलना शुरू हुई तो लोगों ने अपने ऊपर उंगली उठाई कि अरे क्या बेवकूफ़ सरी के काम कर रहा है, अरे कहीं दम नहीं है, अरे लोग तो पागल हैं कि बोले इसको इतना उठा रखा है, इसमें कोई इतना दम हम थोड़ी ना है। सलमान खान बनने आ गए। हाँ तो जब थोड़ी सी अपने को सफलता मिलना चालू हुई तो लोगों ने बोला कि नहीं यार दम नहीं है। विरोध हुआ ने रंजीत भैया तब भी अड़े रही है, अपने काम को कंटिन्यू रखा और जब एक छोटा सा अपने को मुकाम मिल गया, हालांकि सक्सेस का तो कोई अंत है ही नहीं, अनंत है, बट जितना भी प्यार अपने को अभी मिल रहा है तो आखिरी पड़ाव रहता स्वीकृति। अब ये रहता है कि सबका प्यार मिलता है और जो अपने मजे ले रहे थे कि अरे यार ये तो बेवकूफ है, इनडायरेक्टली गाली भी बक देते थे अपने को, बहुत गंदे गंदे शब्द, अब वही लोग आते हैं है ना, उनके आते मेरे कने, अरे बोले यार रंजीत भाई तेरे साथ एक फोटो खिंचा लें दे यार, तो मिला ठीक है ले लो, तो बोलते नहीं हमारे कंधे पे तो हाथ रख यार, नहीं तो दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा कि यार हमारा भाई है तू। तो वो इसलिए करते कि उनके ऑफिस में जब मेरी वीडियो चलती है या उनके कार्यस्थली पे या उनसे कोई पूछता है कि यार यार रंजीत तुम्हारे गाँव का ये कौन है क्या है यार, हमको एक बार उससे मिलवा दो ये वो, तो प्राउड से बताते कि ये तो अपना दोस्त है या अपना भाई है। तो वही लोग जो पहले विरोध में खड़े थे आज ये पार्टी के समर्थन में खड़े ये हो। और इस सब के पीछे कारण रहा कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, एकाग्रता हाँ, और मेहनत, तीनों चीजें जब आपने साथ में करी तो ये सब चीजें आज आपको देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा भैया वो महेश भैया की टवेरा का बार बार आपके वीडियोस में जिक्र आता है। हाँ तो मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है आम जनता की तरफ से, आपके कमेंट्स में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल जगुआर का, मर्सिडीज का, इन चीजों का दौर है और सनरूफ वाली गाड़ियाँ आ गई है कि जिसमें अच्छे से बढ़िया लोकेशन देख सकते हो आप, उसके बाद भी आप खिड़की में से कांच में से बाहर बर्तन निकाल के महेश की टवेरा में ही घूमने जाते हो। देखो भैया इसका कारण एक तो अपन ये बताएंगे अपन तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। सही बात। अपन एसी वाले नहीं, अपन कूलर या पंखे वाले। तो सरपंच जी माल तो कूटा है। अरे नहीं भैया ये खारे झाड़ के नीचे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपन थे लेकिन हालांकि बहुत पर्सनली कोई पर्सनली ले लेगा, बट ईमानदारी से अगर कोई काम कर रहा है उसको बहुत झेलना पड़ता है। सही बात है ना। आज मम्मी सरपंच बनी थी सिर्फ पापा की ईमानदारी की वजह से। पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, इतना प्यार मिलता था, एक चवन्नी का अपन क्या बोलते हैं इंदौरी में दागलदार नहीं थे। हाँ तो ईमानदारी से काम करा और हाँ तो वो जो ऊपर की कमाई अमाई है ये तो अपन ने कैरियर में, और उसी की वजह से आप अपन इतना साफ सुथरा काम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अपनी वीडियो में गाली गुप्ता नहीं रहती है, अश्लीलता नहीं रहती, जबकि गाली गुप्ता को लोग शॉर्टकट मानते हैं कि गाली बको और छोरा छोरी अपने को प्यार करने लग जाएंगे, पर अपने को बहन बेटी उनका भी प्यार चाहिए, छोरा छोरी उन भी छोटे छोटे देखते अपने को, बुजुर्ग उन भी देखते खूब प्यार देते हैं, मतलब भैया जो अपने इंदौर की छोरी उन्हें तो उनकी शादी होकर कहीं बम्बई में बस गई, कहीं अमरीका, मलेशिया और कैनेडा सब जगह पहुँच गई, तो वहाँ से उनके मैसेज आते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, प्रतिक्रिया आती है कि दादा जब हमको हमारे मायके की याद आती है, मतलब अपने इंदौर या एमपी की, तो या तो हम हमारे घर वाले उनसे फ़ोन पे बात कर लेते, वीडियो कॉलिंग पे या रंजीत भैया की वीडियो देख लेते, तो देखने को मिले में पता चले सब भैया ही बोलने लग जाए आगे जाके। भैया यार एक सीक्रेट खोल दूं क्या? खोल दो यार भैया, बहुत सारी छोरी उनका दिल टूट जाएगा। तोड़ दो तुम तो इसके से फेविकोल से जोड़ देंगे पक्का। तोड़ दो तो भैया अपनी है ना छोरी उन शादी हो गई अपनी। लो बड़ा खुलासा भैया रंजीत भैया का हमारे चैनल, और दो छोरा छोरी भी अपने। क्या बात है वो प्रोफाइल में जाके देखोगे तो अंदर ही आएगा। तो हुआ क्या था, शुरू में जब अपने को पिक्चर का शौक था ना तो घर वाले उनको डर लगता था कि यार कहीं हीरो बनने के लिए बंबई नहीं भग जाए। हाँ। तो लोगों ने बोला उनके कौन संभाले हुए यहाँ पे। हाँ तो घर वालों ने सोचा इसकी शादी करवा दो। हाँ। ने घर की जिम्मेदारी आ जाएगी तो इसको दूसरे अरमान ठंडे हो जाएंगे। पर अपन ने तुम्हारी भाभी को भी बोल दिया था। हाँ। उज्जैन की है। हाँ। जब देखने गए थे ना छोरी। हाँ, हाँ, हाँ। कमरे में जैसे अपन बैठे ना, मैंने बोला देख एक्टिंग का शौक है, नहीं मेरे शौक के बीच में तू आएगी नहीं। हाँ नहीं तो मैं तो मना कर रही हूँ। अरे बोले नहीं मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ। तो सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरी सफलता में, सफलता तो नहीं
मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसके लिए प्लीज आप एक ताली बजा दो। हाँ जी, प्रणाम करते हैं आपको जो आप झेल पाते हो दिन भर। हाँ, तो वो पिक्चर अभी मैं थोड़ा सा अगले सीन में बताऊंगा। अपना पॉइंट यहाँ था महेश के बारे में, तो अपन मिडिल क्लास फैमिली से हैं भैया, तो अपन क्या करते हैं, जैसे आईफोन लॉन्च हुआ तो एक तो रहते हैं कि भैया जैसे ही नया मॉडल आया तो बाबूजी के पर्स में से क्रेडिट कार्ड हेड़ा नवल्टी गए, स्क्रेच करा और नया लेके आ गए। फिर एक व्यक्ति रहता है जो अपना लीवर किडनी ने अपने घर की जायदाद बेच के फिर वो लेके आता है ना। और एक रहते अपने शरीर के मध्यम वर्गीय परिवार कि आईफोन का ये वाला मॉडल निकला है तो अपन वेट करते कि इसका अगला मॉडल कब निकलेगा। जब उसका अगला मॉडल निकल जाता तो फिर अपन ये वाला मॉडल को नवल्टी में जाके सेकंड में लेके उसका मजा उठाते। तो अपने को जगवार एगवार की आदत नहीं है भैया, महेश की टावेरा अपने को कंफर्ट करती, अपन तो उसमें एसी भी नहीं चलाते। अच्छा। उल्टी सरी का जी होता है ना यार अपना। और सेकंड ये है, महेश की टावेरा का अपन इसलिए बोलते हैं कि डाउन पेमेंट अपन ने डलवाया था, धार वाले फूफा जी से 3% पे पैसे उठाए तो एहसान है उसके ऊपर अपना। लेकिन एहसान के बावजूद भी लोग एहसान नहीं मानते। जैसे अपन बोलते ना कि भाई अपने को कहीं घुमा ला, तो भैया जब अपन ने गाड़ी दिलाई है तो तेरे को हमसे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। हमसे बोल देता कि यार भैया डीजल तो डलवाओ, फिर अपन चिढ़ जाते कि अरे तू भी क्या डीजल के लिए मरे जा रही है यार। है? अभी अपन डाउन पेमेंट नहीं डलाते तो उसकी गाड़ी आ पाती क्या? नहीं आ पाती भैया। अरे उसकी वो जाने, अपने से तो क्या उसके अपनी वो नहीं मिलती है, गुण नहीं मिलते अपने। तो अपन ने बोला तू तो बड़ा आदमी हो गया दादा, कार वाला हो गया है ना, अब तेरे से दूर ही रहेंगे, तो अपन तो बोलना ही पसंद नहीं करते। ममता का क्या लेना देना भैया ये बताओ, ममता बार-बार आ जाती है कहीं ना कहीं से निकल निकल के। यार साहब एक बात कहूं, बताओ तुम्हारी भाभी नहीं देखेगी क्या इंटरव्यू? अरे तो ठीक है ना, आज खुलासा कर ही रहे हैं भैया, तो उसका भी कर दो यार। भैया का दिल तोड़ दिया तो एक भाभी का भी तोड़ दो। तो पूजा नाम है तुम्हारी भाभी का क्या? भाभी जी प्रणाम। है ना, कान पकड़ रहा हूँ कि स्कूल के टाइम पे कुछ था मामला। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बहुत खुलासा भैया रंजीत का। बचपन में बच्चा बुद्धि में, तो सीरियसली बोलता हूँ, आज जनता जानना चाहती कि भैया धार वाले फूफा जी कौन है, या महेश कौन है, या ममता बेवफा कौन है, ये सब काल्पनिक है भैया और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैंने मेरे किरदारों, हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किरदार एक फेमस हो जाएंगे जिनकी अपने आप में रंजीत भैया से हट के पहचान बन जाएगी। तो आज के समय में बुद्धि बहुत छोटी हो गई, लोग पर्सनली ले लेते हैं। जैसे मैं अगर किसी के बारे में कॉमेडी कर रहा हूँ तो लोग कई बार पर्सनली ले लेते कि यार ये कॉमेडी के आड़ में या वीडियो की आड़ में इनडायरेक्टली हमको ताना मार रहा है या हमारे को वो कर रहा है। तो मैंने इस बात को सोच के मैंने सोचा कि पर्सनली किसी किरदार का नाम नहीं लूँगा, तो मैंने ऐसे किरदारों का चुनाव किया जिनका वास्तविकता से संबंध ही नहीं है, ताकि किसी को पर्सनली बुरा ही नहीं लगे। धार में अपना कोई भी रिश्तेदार नहीं है यार, बाकी धार से बहुत सारा प्यार है, धार वाले भैया उन पर रंजीत भी हमेशा आते जाते रहते हैं। धार वाले लोग फूफा जी को ढूंढते रहते हैं दिन भर, कहीं भी मांडू जा रही है। नहीं नहीं, जब भी अपन मांडू जाएंगे या जाते हैं और नहीं भी गए तो धार में बिल्कुल अपना प्रेम है, तो अपन आते जाते रहेंगे। कालका माता और वो जो जितनी भी फेमस जगह है बिल्कुल आते हैं। जनता देख ले भैया, रंजीत भी आने वाले हैं, कोई फूफा जी इनकी मां देते नहीं, तो ढूंढना बंद कर दो सबसे। ये बात तो भैया, ये तो हो गई कैरेक्टर की। जी रंजीत भी एक बात बताइए कि आप थोड़ा सा सीरियस मोड पे आते हैं, कि कई लोग हैं जो आपको एक इंस्पायर के रूप में देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी रंजीत भैया बने, अपने घरों में कॉमेडी कर रहे हैं वो, या अपने स्कूल के मंच पे करते हैं, तो वो कैसे इस मुकाम पे आए, कैसे आगे बढ़े? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया कि आपका जब उपहास उड़ाया गया तब तो आप नर्वस नहीं हुए, तो आप इस मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन कई लोग होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। तो देखो दादा, इंदौरी में बोलूं कि नॉर्मल सीरियस होके बोलूं, पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाएगी भैया? पब्लिक कनेक्ट होगी इंदौरी। हाँ, तो देखो भैया, अपन ने पहले ही बोल दिया कि अपन कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं, ना कोई इतने बड़े ज्ञानी है कि अपन ज्ञान बांटे। अपन सिर्फ इतना बताते कि अपने साथ अपने जीवन में क्या हुआ, ठीक है, और आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हो उस चीज़ में। आपको मैंने बता ही दिया कि इस चीज़ से मेरे को प्यार था, है ना, किसी कीमत पर भी अपने को ये चीज़ चाहिए थी। तो अगर आप लोग भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो भगवान हर व्यक्ति को, जैसे 3 इडियट पिक्चर में नहीं बोलता है कि अपना अपना टैलेंट पहचानो, तो अपना टैलेंट पहचानो। किसी का एक्टिंग में रहता है, कॉमेडी में,
किसी का म्यूजिक में रहता है, किसी को खाना बनाने का, किसी को बॉडी बिल्डिंग, वो सारे शौक रहते। तो अपने शौक उनको पकड़ो, है ना, अपने शौक उनको पकड़ो और घर वाले उनको बताओ कि मेरे को ये करना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ छोड़ी अपन ने। अब इसके अलावा पढ़ाई पूरी करना है भैया, पढ़ाई में लापरवाही नहीं करना है। कि रंजीत भैया ने बोल दिया कि इस तरीके से सक्सेस होना है तो पढ़ाई वढ़ाई को भाड़ में जान दो। सबसे पहली प्राथमिकता देना है पढ़ाई को, मास्टर डिग्री तो हाथ में रहना ही चाहिए। सेकेंड, अपने को घर बार भी चलाना है, क्योंकि यहाँ श्योरिटी नहीं रहती कि पैसे कितने कमा लोगे, कमाओगे कि भी कि नहीं कमाओगे। एक अंधी खेलने, ब्लाइंड नहीं बोलते, तीन पत्ती खेली भैया तुमने? खूब खेली है, खूब खेली। अपन ने नहीं खेली, अपन इतने बिगड़े हुए नहीं है। मैं तो तुम्हारी एक अपन तो खूब खेली और खूब जब्त भी कर रही लोगों की, दोनों ही। और बाबूजी, और बाबूजी की चप्पल खाई? चप्पल अप्पल तुम जूते मारते। फादर्स डे तो भैया अंधी नहीं खेलना अपने को। तो पढ़ाई पूरी करना है, उसके अलावा पैसे की श्योरिटी, हमको कोई भी काम धंधा करना है, जॉब करना है, बिल्कुल पैसे से मजबूत रहना है कि इन फ्यूचर हमारा कुछ भी नहीं हुआ तो हम फाइनेंशियली तो मजबूत रहेंगे। उसके बाद में अपने टैलेंट को पकड़ो, जैसे रंजीत भैया ने पकड़ा, उसको एंड तक लेके जाना है ना। और थ्री इडियट का एक डायलॉग हमेशा अपन बोलते हैं कि भैया अगर आप बुढ़ापे की तहलीज पे खड़े रहोगे, है ना, और पलट के देखोगे, अगर आपने कुछ करा नहीं ना, तो हमेशा मलाल रहेगा कि आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो आज फ्यूचर कुछ और भी रहेगा। कुछ बन नहीं भी पाए ना, तो कम से कम मलाल नहीं रहेगा कि यार हमने कोशिश भी नहीं करी, है ना। तो पूरा उसको एंड तक लेके जाना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं रहता, कोई मंत्र नहीं रहता कि दो और दो डाले तो चार ही निकलेगा, है ना। किसी किसी को जैसे ऋतिक रोशन एक पिक्चर में ही सुपर स्टार बन गया, फिर रहते हैं अपने क्या नाम है, इरफान खान ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको पूरी ज़िंदगी लग गई अपने आप को साबित करने की। तो कोई नियम नहीं रहता कि इतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, आपको अपनी मेहनत करनी है और उसका वेट करना है। टूटना नहीं है बीच में कि यार भैया अपने को तो सफलता मिल ही नहीं रही है, और जो लोग दूसरे रहते हैं वो कोई और ही रहते हैं। अपने को 100% मेहनत करनी। सेकेंड, हर बंदे के अंदर अलग अलग चीज़ रहती है, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग रहती है। जैसे अपन मकान में कलर पुताते हैं तो किसी को लाल, किसी को लाल चैट, किसी को काला कैट, किसी को पीला पट, किसी को हरा कैट, तो वो पसंद आता। तो बुद्धि अलग अलग रहती है, गाड़ी अलग अलग सबको पसंद आती है ना। तो अपनी जैसे मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन डिसलाइक भी आते हैं। लोग बोलते हैं अरे क्या पागलपंथी, अरे इंदौर ऐसा रहता है क्या, अरे ये तो लजवारी, अरे इंदौर को बदनाम। तो हर तरह के लोग, आलोचना से घबराना नहीं है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे को मिल जाएगी, तुम्हारी बुद्धि से मेज खाने वाले लोग तुमको ढूंढते ढूंढते तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके आंकना मत, मतलब खुद के अंदर जो टैलेंट है उस पे आप कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली बना के रखना है और गिव अप नहीं करना है। भले आप सक्सेस हो चाहे नहीं हो, गिव अप नहीं करना है। अपन ने 2015 से चालू करा था, 2015 से अपन धीरे 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 स्ट्रगल करते करते आए हैं। अपन ने जब चैनल बनाया था ना, 10 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर, 30, 35, 40, 45, 50 व्यू देखा तो 132, 335 ऐसे। तो मन में अपन टूट जाते थे कि अरे यार कुछ नहीं होने वाला अपना भविष्य में। फिर अपना एक वीडियो आया कि इंदौरी लोग कसम कैसे खाते हैं, कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे आप मेरे मित्र हो, तो अरे तेरे सर की सौगन झूठ बोलूँगा क्या यार, चाय पी रहे थे कसम में, वहाँ गए ही नहीं। तेरी जान की सौगन उसकी जान मर जाए। हाँ, अपन पोहे खा रहे थे, अरे ये अन्ना हाथ में, झूठ बोलूँगा क्या, और ये दारू कुट्टे होने का दारू पकड़ रखी है, अरे ये माँ कालका का प्रसाद हाथ में, झूठ बोलेंगे क्या भैया। पोहे खा रहे थे बोलेंगे अन्ना हाथ में, झूठ बोलूँगा क्या। तो ये वीडियो इकला भैया और चमत्कार हुआ, तब से अपने को पहचान मिलना चालू हो गई। तो गिव अप नहीं करना है और उसको एंड तक लेके जाना है। मतलब सार यही है कि पहले दिन न तो लाखों में सब्सक्राइबर मिलेंगे, न लाखों में व्यूज मिलेंगे। हर किसी की शुरुआत गिने चुने सब्सक्राइबर से होगी, गिने चुने व्यूज से होगी, लेकिन आप लगातार अगर उसी क्षेत्र में मेहनत करते जाते हैं, एकाग्रता रखते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। कई लोग शुरुआत करते हैं पीछे हट जाते हैं, जैसे रंजीत भैया का भी एक जो मुकाम था, धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर बीच में ब्रेकडाउन आए, अलग अलग परेशानियां झेलना पड़ी, लेकिन आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की बदौलत वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार आगे भी उनको मिलता रहेगा। रंजीत भैया, एक आखिरी सवाल है इंदौर को लेकर, क्योंकि आप इंदौर से, आपका काफ़ी लगाव है, इंदौर की आन बान जान शान सब आप कुछ बन गए हैं, बिल्कुल दुनिया आपको इंदौर के एक इंदौरी के होने की नज़र से देखती है, तो हम लोग भी एक प्राउड फील करते हैं।
कि वैक्सीनेशन में हम एक बार फिर नंबर वन आए हैं देश में, स्वच्छता में लगातार चार बार हम नंबर वन है, पांचवी बार भी अभी हमको कोई शहर देश का ऐसा नहीं लगता कि जो कहीं ने हमसे कॉम्पीट कर रहा हो। मतलब ये लगभग तय है कि पांचवी बार नंबर वन इंदौर ही आएगा। वैक्सीनेशन में पहले दिन के हम टारगेट की बात करें तो उसमें हमने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 232,000 वैक्सीनेशन और 18 और हाँ 18। और कल की बात करें तो कल जब सरकार ने 1,25,000 का लक्ष्य रखा था तो हम 170 पे पहुंच गए, लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो क्या मैसेज आप दोगे वैक्सीनेशन को? देखो भैया, एक तो रहती झांकी मंडप वाली बात कि हम सफाई में हमेशा नंबर वन आते हैं, ने फिर ट्रैफिक को लेकर भी बहुत अवेयरनेस दिखा रहे हैं, बीच में कोरोना आ गया तो ये वैक्सीनेशन में अपन ने रिकॉर्ड बना लिया। तो इंदौर को आदर्श मानते हुए पूरे इंडिया या जहाँ तक भी अपनी आवाज़ जा रही है, यहाँ कंपटीशन कोरोना को लेकर नहीं करेंगे दादा, अपन एक ही चीज़ है कि पूरी मानवता पे, पूरी पृथ्वी पे संकट आया कोरोना नाम का, जिसका अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है, एक ही इलाज है वैक्सीनेशन। तो शुरू में जब वैक्सीनेशन हुआ था है ना, तो लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ददौड़े नहीं पड़ जाए, कहीं छाले नहीं हो जाए या कहीं मरमुरा नहीं जाए अपन, है ना, डर लग रहा था। वो भी यही चीज है कि बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, अफवाह। हाँ, लोगों ने इस तरह से भ्रामक प्रचार किया कि नपुंसक बन जाओगे। ये सारी बत्तीबाजी वाली चीजें भैया, इनको अपने दिमाग से निकाल के फेंकना है। लोग चतरे भी थे भैया कि यार पहले दूसरे लोग उनको लग जान दो, एक डेढ़ महीने उनको चेक कर लेते कि कहीं हो तो नहीं रहा है, कहीं मरमुरा तो नहीं रहे, कहीं ने तो दो डोज का इंतजार करा। तो सारी चीज अपन ने देख ली है, अब कोई डाउट नहीं है दादा। और सबसे बड़ा एग्जांपल अपन भी है, अपन ने भी, हमने भी लगवा के रखे। हाँ, हल्का पतला बुखार आ जाता है, क्रोसिन या पैरासिटामोल ले लो तो वो निपट जाता है। तो सब बोल रहे हैं कि तीसरी लेयर भी आएगी, अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया या 50% से भी ऊपर चला गया तो तीसरी लेयर आएगी नहीं। तो तुम्हारे रंजीत भैया ने भी वैक्सीनेशन करवा रखा है जिम्मेदारी से, कोई भी भ्रामक बातें मन में ना रखें, और आपको मानवता को बचाना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन जिम्मेदारी से करवाना है। चलो भैया आओ, तो भैया के ठिए पे आज हमारे साथ रंजीत भैया थे, अगली बार कोई और होगा, उसकी अगली बार कोई और होगा, तो मिलते रहेंगे आपसे भैया के ठिए पे और लाते रहेंगे नए नए किरदार आपके सामने, जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।